अनुमंडल पदाधिकारी सदर के आदेश पर कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिलानाथ सिन्हा के नेतृत्व में आज डुमरा कोर्ट कंपाउंड एवं जिला परिवहन कार्यालय के पास अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही जो दुकानदार स्थायी हैं उनके निबंधन से संबंधित पेपर की जांच की गई तथा निबंधित दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वह अपने दुकानों के बाहरी हिस्से पर अभिलेख संख्या लिखवाए। वहीं जिन दुकानदारों के पास वैध कागजात नहीं थे उन्हें कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। कागजात न प्रस्तुत करने पर दुकान हटा देने की चेतावनी दी गई। वहीं अभियान को देखकर कई दुकानदार दुकान बंद कर चले गए। वैसे दुकानदारों को कलम बंद चिन्हित कर लिया गया। जी किसी के द्वारा जो है कंप्लेन किया गया था कलेक्टर साहब के यहाँ। जी कोई उमेश प्रसाद है। जी तो उसी के तहत ही जिला पदाधिकारी है जो अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश किए। जी कोर्ट कैंपस जी प्लस DPO ऑफिस के इर्द गिर्द जी जो भी दुकानदार है जी अलाउट उसके उसको अलाउटमेंट है तो रसीद रखेगा। 3 दिन से प्रचार भी किया जा रहा है जी और जिसके पास अलॉटमेंट का कोई पेपर नहीं है उसको अवैध मानते हुए उसको हम लोग बता रहे हैं। कुछ 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 दुकानदार ऐसे जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उनका ये आरोप है कि कुछ हटाई गई हैं उनका ये आरोप है कि हम लोगों को हटाया गया है और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। ऐसा कोई लोगों का आरोप नहीं। वही कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि इस संबंधित जानकारी व सूचना प्रचार के माध्यम से 3 दिन से दी जा रही है और अवैध दुकानों को हटाने का निर्देश है। तब कितनी दुकान को आपने सील किया? दुकान तो हटाया नहीं है यार। लोग कहाँ गए? लोग अभी तक 6 हटा है, बाकी लोग रसीद दिखाया है। 5वां हट 7वां हट का पीछे तो इस कार्रवाई करने के पीछे क्या उद्देश्य है सरकार? मुझे अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर का आदेश प्राप्त है। क्या 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 आदेश प्राप्त? कोर्ट कैंपस और DTO ऑफिस के इर्द गिर्द जो अवैध इसके पास रसीद नहीं है उसको उठा लेंगे। तथा वैसे दुकानदार जो आवंटन से अधिक जगह रखे हैं उन्हें भी अवैध कब्जा हटाने का निर्देश है। तथा वैसे दुकानदार जिनका शुल्क रसीद पुराना है वो जल्द से जल्द नवीनीकरण करवा ले। इस अभियान के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। वही कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा ये अभियान लगातार जारी रहने की बात की गई।